की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी केस में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल यहां आरोपियों ने पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी को हत्या का वीडियो भेजा था, जो अब एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। जेल में ही सोहेल से इसकी मुलाकात हुई थी नौशाद की, और बकायदा 2 लाख रुपए भी इसके लिए मिले थे जहांगीरपुरी मामले में। अब जैसे जैसे नई चीजें सामने आ रही है, एक के बाद एक बड़ा पर्दाफाश और पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है। छब्बीस जनवरी से पहले बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली में बड़ी साजिश का पर्दाफाश, दिल्ली में टुकड़े टुकड़े साजिश। छब्बीस जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी के आतंकी कनेक्शन को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया और गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की निशानदेही पर 3 टुकड़ों में एक शव बरामद किया। माना जा रहा है कि यह शव उसी शख्स का है जिसका आतंकियों ने पहले कत्ल किया और फिर उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने मददगारों को भेजा था। पकड़े गए आरोपियों का खालिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान में बैठे आकाओं से संपर्क में थे। फॉरेंसिक टीम सबूत तलाशने में जुटी। इससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भलसुआ डेयरी इलाके से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। कुछ दिन पहले स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी इलाके से जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उर्फ याकूब और नौशाद को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से दोनों के कनेक्शन सामने आए हैं। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने एक आदमी का कत्ल कर उसका वीडियो अपने हैंडलर्स को सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपने काम का सबूत दे सकें। अब फॉरेंसिक टीम की मदद से भलसुआ के उस घर से खून के सैंपल इकट्ठा किए गए ताकि सच से पर्दा उठाया जा सके। भलसुआ डेयरी इलाके का ये वही घर है जहां पर कि कल देर रात स्पेशल सेल की टीमें पहुंची और यहां से खून के नमूने बरामद किए गए हैं। पुलिस के गिरफ्त में आए दोनों आरोपी भलसुआ डेयरी इलाके में किराए के एक मकान में रह रहे थे। आरोप है कि गिरफ्तार जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से और नौशाद के तार आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़े हैं। अब स्पेशल सेल ये पता करने में लगी है कि दोनों आरोपियों ने कब वारदात को अंजाम दिया और दोनों ने किसका कत्ल किया। और दिल्ली के जहांगीरपुरी केस में एक ये बड़ा पर्दाफाश हुआ। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, दिल्ली के जो देश की राजधानी है जहांगीरपुरी में जो नापाक हरकत लोग कर रहे थे पाकिस्तानियों से, वो किस तरह जुड़े नजर आए? जी देखिए प्रशांत, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि एक सोहेल नाम का लश्कर का मॉड्यूल है जो 2018 में पाकिस्तान चले गया था, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, और वहां पर जो लाल किले हमले का दोषी है उसकी नौशाद की और इस शख्स की दोस्ती होती है, जिसके बाद नौशाद को ऑपरेशन का टास्क दिया जाता है और नौशाद की दोस्ती हल्दानी में जगजीत सिंह से होती है जेल के दौरान, और वहां पर खालिस्तानी गठजोड़ और जो पाकिस्तान ISI का नेटवर्क है वो खड़ा होता है। और इस वक्त जो दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जिस घर के नीचे हम खड़े हुए हैं यहां पर 2nd फ्लोर पर नौशाद, उसकी पत्नी और जगजीत यहां पर 6 महीने से रह रहे थे। आसपास के लोगों ने बताया कि नौशाद का पूरी जिंदगी यहां पर गुजरी है, वो करीबन 10-12 सालों से जहांगीरपुरी के ही अलग अलग इलाकों में रहता है, उसके बच्चे भी यहीं पर रह रहे थे, उसने शादी।